पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय एक बार फिर दिल्ली की मेयर बन गई हैं। उनके अलावा मोहम्मद इकबाल को भी डिप्टी मेयर पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया, तो क्योंकि बीजेपी की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों ने चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस ने क्यों किया चुनाव का बहिष्कार, क्यों भाजपा रेस में से हुई बाहर, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट शैली ओबेरॉय और मोहम्मद इकबाल दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर बन गए हैं। उन्हें दूसरे साल के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है क्योंकि बीजेपी के दोनों कैंडिडेट शिखा राय और सोनी पांडे ने चुनाव के एन पहले अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी संविधान के तहत काम नहीं कर रही है। हमारे सभी प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी स्थायी समिति और वार्ड समितियों का गठन नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से नगर निगम की कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। पिछली बार मेयर चुनाव के लिए चार बार सदन बुलाना पड़ा था। कांग्रेस के नव निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ था और न ही किसी तरह की नारेबाजी हुई थी। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।